केवी भोसले महाविद्यालय के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, छात्र एवं छात्राएं, इन सभियों का मैं हिंदी बात के ओर से स्वागत करता हूँ। और इस समारोह की शुरुआत रयत शिक्षण संस्था के संस्थापक कर्मवीर भावराव पाटिल की प्रतिमा का पूजन करके हो जाएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मानसी मुर्ते आवे धर्म जाति चा पाद गांधी से मूल्य मानवी जप जो आहे रयते मधुनी व्यासाचा मानसाता छोटो आहे वटवृक्षाचा विशालतेचा मोहन फाला पडतो आहे रयते मधुनी व्यासाचा गरीबासाठी लेणी मोडून लक्ष्मी वहिनी झाली आई कमवा आणि शिका मंत्र हा करुणाईला प्रेरक होई स्वावलंबी तृप्ति घेऊन ज्ञान साधना करतो आहे रयते मधुनी व्यासाचा मानसाचा छळतो आहे वटवृक्षाचा विशालतेचा मोहन फाला पडतो आहे रयते मधुनी व्यासाचा दीन दलिता साठी अणुना तुमची झिजली चंदन काया
अनाथ जीवा सदानाभली मातृ गई तुझी माया मधल्या नवसृष्टीचा निर्मित होई ठरतो आहे रयते मधुनी नव्या युगाचा माणूस आता ठरतो आहे वटवृक्षाच्या विशालतेचा मोहय माझा पडतो पाणी रयते मधुनी नव्या युगाचा धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अभी समारोह का प्रास्ताविक एवं स्वागत हमारे हिंदी विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर के वी भोसले सर जी को विनती करता हूं कि वे इस समारोह का प्रास्ताविक एवं स्वागत करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर काका साहेब भोसले उपस्थित सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रयत शिक्षण संस्था का डॉक्टर पतंगराव कदम महाविद्यालय रामानंद नगर बुरली में हिंदी विभाग के द्वारा 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में आज प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित व्यस्त एवं सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूक डॉक्टर अर्जुन चौहान जी प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर, साथ ही समारोह के अध्यक्ष कुशल प्रशासक, हम सबके प्रेरणा स्थान एवं मार्गदर्शक, 24 घंटे कॉलेज के प्रगति के बारे में विशेष रूप से कार्य करने वाले हमारे कॉलेज के प्राचार्य माननीय डॉक्टर एल डी कदम साहब, इनका हिंदी विभाग तथा मेरी ओर से तहे दिल से सर्वप्रथम स्वागत करता हूं। साथ ही समारोह में उपस्थित प्रोफेसर, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष तथा प्राध्यापक, छात्र एवं छात्राएं, सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर हिंदी की भूमिका के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भाषा अपने मनोभावों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। किसी भी देश का समग्र विकास तभी संभव हो सकता है जब उसके निवासी अपनी मातृभाषा में चिंतन एवं लेखन करें। मातृभाषा ही ज्ञान और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश के प्राचीन ज्ञान में ही आज के युग के अनेक जटिल प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं और 21वीं सदी के भारत के विकास में इस ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस ज्ञान का उचित दोहन मातृभाषा के विकास के बिना संभव नहीं है, जो ज्ञान, गौरव और स्वाभिमान भी प्रदान करती है। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, निज उन्नति ही सब उन्नति का मूल। अर्थात मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना असंभव है। हिंदी का उद्भव एवं विकास भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हुआ है। मूलतः इन सभी भाषाओं में भारतीय संस्कृति की मिट्टी की खुशबू आती है। यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण, संवर्धन और विकास किया जाए तथा अनुवाद के माध्यम से इनके बीच एक सेतु बनाया जाए ताकि साहित्य समृद्ध हो सके। इससे भारतीय भाषाओं में आपसी सामंजस्य, सहिष्णुता, सम्मान और सौहार्द भी बढ़ेगा तथा हमें एक दूसरे का साहित्य पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होगा एवं देश की भाषाई एवं राष्ट्रीय एकता और मजबूत होगी। देश की सभी भाषाओं की आपसी सहभागिता, उनका स्वतंत्र विकास और संघर्ष, भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग तथा देश में शांति,
परस्पर सद्भावना एवं प्रगति का मुख्य आधार बन सकता है। अनेक कवियों सुब्रमण्यम भारती जैसे कवियों की साहित्यिक रचनाएं कालजयी है, जिन पर सभी देशवासियों को गौरव है। इसी प्रकार बंगला के रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, शरदचंद्र हो, महाश्वेता देवी हो, पंजाब के अमृता प्रीतम हो, हम इनका साहित्य भी उसी प्रकार हिंदी में पढ़ते हैं जिस प्रकार हम हिंदी के प्रेमचंद का साहित्य पढ़ते हैं। वास्तव में हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाएं हमें विरासत में मिली हैं तथा इस धरोहर की रक्षा एवं संवर्धन करना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है और आप सभी इस दिशा में प्रतिबद्ध है। विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां भारत की पहचान है। सभी भाषाओं का समृद्ध इतिहास है, समृद्ध साहित्य है और बड़ी संख्या में बोलने वाले भी मौजूद है, किंतु पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम हिंदी ने बखूबी किया है। देश की आजादी की लड़ाई में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता सेनानियों को एक करने का काम उस जमाने में हिंदी भाषा ने किया था। इस कार्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा था, जो भाषा भारत के दिलों पर राज करती है वह भाषा हिंदी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में उच्चरित होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करना अत्यंत सरल है। हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है और हिंदी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा ने गंभीर विचार विमर्श के बाद आपसी सहमति से हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया तथा हिंदी संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत कर लिया। इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत विभिन्न बोलियों का देश है। इस विविधता को हिंदी भाषा के उन्नयन के द्वारा देश में भावात्मक एकता को समृद्ध करने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा के साथ जनसंवाद के स्तर को आगे ले जाने के लिए निरंतर हिंदी भाषा के विविध आयामों के प्रसार की आवश्यकता है। हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को समाहित करने की सही मायने में भारत की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है। भाषा वही जीवित रहती है जिसका जनता प्रयोग करती है। साथ ही जिस भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, इसीलिए हिंदी जन आंदोलन की भाषा रही है। सोशल मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। वर्तमान कोरोना वायरस काल में अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम हिंदी है। हिंदी के विविध पक्षों की जानकारी समारोह के प्रमुख अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन चौहान जी आज आपके बीच साझा करने वाले हैं। उनका तथा अन्य उपस्थित सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और मेरी हिंदी भाषा की भूमिका को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंदी, जय नागरी, जय कर्मवीर। धन्यवाद शेडगे सर जी। धन्यवाद सर। प्रास्ताविक एवं स्वागत के बाद इस समारोह के अध्यक्ष महाविद्यालय के प्रधानाचार्य माननीय डॉक्टर एन डी कदम साहब जी को मैं विनती करता हूं कि वे प्रधानाचार्य का मंतव्य व्यक्त करें। धन्यवाद शेडगे जी, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रयत शिक्षण संस्था का डॉक्टर पतंगराव कदम महाविद्यालय रामानंद नगर बुरली में हिंदी विभाग के द्वारा 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज हिंदी दिवस समारोह मनाया जा रहा है। हमारे महाविद्यालय की स्थापना सन 1968 में हुई है। अब महाविद्यालय 50 वर्ष
पूरा कर चुका है। उल्लेखनीय बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में NAC मूल्यांकन में ए ग्रेड प्राप्त करने वाला यह महाविद्यालय है। डॉक्टर कर्मवीर भौरव पाटिल जी के विचारों को समाज तक पहुंचाने का कार्य आज महाविद्यालय कर रहा है। महाविद्यालय में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रेक शिक्षण संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अनिल पाटिल जी की सूचना द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र कर्मवीर विद्या प्रबोधनी कार्यरत है। श्रम प्रतिष्ठा एवं व्यक्तित्व विकास के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय छात्र सेना कार्य कर रही है। महाविद्यालय में इंटरनेट सुविधा, ITC क्लासरूम, CCTV कैमरा, ग्रंथालय, कॉलेज, कैंटीन आदि सुविधा छात्रों को दी जाती है। छात्रों की गतिविधियों के साथ साथ अध्यापक महाविद्यालय विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार चर्चा सत्रों में सम्मिलित होते हैं, अपने लेख प्रकाशित कर अपना शोध कार्य जारी रखते हैं। महाविद्यालय में स्नातक स्तर के साथ साथ स्नातकोत्तर स्तर पर MA अंग्रेजी इतिहास तथा MSc केमिस्ट्री का अध्ययन जारी है। महाविद्यालय के विकास में महाविद्यालय विकास समिति का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इस समारोह के प्रमुख अतिथि है डॉक्टर अर्जुन चौहान जी, प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। उनका महाविद्यालय की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनको मेरा प्रणाम। राष्ट्रभाषा हिंदी सभी को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करती है। स्वतंत्र, समता, विश्व बंधुत्व की भावना को जगाने का काम करती है। हिंदी भाषा में एक मिठास है। सभी के हृदय में आत्मीयता का भाव, अपनेपन का भाव निर्माण करने वाली राष्ट्रभाषा हिंदी है। अनेकता में एकता ही हमारी शान, इसलिए तो भारत हमारा महान है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर इस वर्ष महाविद्यालय का हिंदी विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर वर्तमान चुनौतीपूर्ण कोरोना युग में बौद्धिक भाषा संवर्धन हेतु 15 सितंबर राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस का आयोजन कर रहा है, उनको मैं बधाई देता हूँ। राष्ट्रभाषा हिंदी पर चर्चा करने का यह प्रयास है। भारत में लोगों के बीच संवाद का हिंदी एक सुदृढ़ माध्यम है। समकालीन कोरोना काल में अभिव्यक्ति का एक स्वरूप भाषा के साथ जनसंवाद के स्तर को आगे ले जाने के लिए निरंतर हिंदी भाषा के विविध आयामों के प्रसार की आवश्यकता है। भारत एक विविधतापूर्ण देश होने के कारण हिंदी के समक्ष विभिन्न चुनौतियां हैं। इसके बावजूद ये भाषा एक देश को एक साथ जोड़कर वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान निरंतर बना रहे। आज हिंदी 5वीं भाषा ऐसी हो रही जो पूरे विश्व में जनसंपर्क के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं इस हिंदी दिवस के समारोह में एक अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ कि हिंदी भाषा हमारे शोध की भाषा होनी चाहिए, हमारे विज्ञान की भाषा होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जो नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है उसमें रीजनल लैंग्वेज में सभी एजुकेशन देने वाले हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत से IITs, NITs उनके जो इंजीनियरिंग के क्लासेस होते हैं वो क्लासेस वो भी हिंदी भाषा में होना चाहिए, शोध की भाषा भी हिंदी होना चाहिए, तो एक अच्छे प्रसार हो सकता है। हर साल 14 सितंबर ये दिन पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के अध्ययन अध्यापन से जुड़े हम सभी का कर्तव्य है कि हम सभी हिंदी भाषा को बढ़ावा दें और अपनी अभिव्यक्ति में अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करें। राष्ट्रभाषा हिंदी विश्व भाषा बन सकती है, उसमें विश्व भाषा बनने की पूरी क्षमता है।
सवाल यह है कि हिंदी से जुड़े हम लोग उस दृष्टि से कितना प्रयास करते हैं। आज हिंदी भाषा विश्व के अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। दुनिया की अधिकतर बोली जाने वाली 5 भाषाओं में से एक हिंदी भाषा है। राष्ट्रभाषा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरवशाली भाषा बनाने का काम हम भारतवासियों का है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हम संकल्प करें कि हिंदी अपनी बनी रहेगी, तूफानों में सजी रहेगी, मानवता है इसके अंदर। राम कृष्ण नानक पैगंबर, हिंदू मुस्लिम सिख सिखाई एक रहेंगे इसके अंदर। कोटि कोटि कंठों की भाषा, जनमन की मुखरित अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सबकी परिभाषा। जय हिंद, जय हिंदी, जय नागरी, जय कर्मवीर। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपने बहुत बड़े जोशीले विचार व्यक्त किए। इस विचारों के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा, आगुन बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, आगुन बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे, जिसे रोशन खुदा करे। इस विचारों के बाद प्रमुख अतिथि, उनकी परिचय और पहचान हमारे हिंदी विभाग के प्रमुख डॉक्टर के बी भोसले सर जी को मैं विनती करता हूँ, इस प्रमुख अतिथि की पहचान वे करवाए। इस समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में यहाँ बहुआयामी व्यक्तित्व मौजूद है। यहाँ उनका थोड़ा सा अल्प सा परिचय मैं करा देना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो इनका परिचय 120 पन्नों का है, तो 120 पन्नों का परिचय देना संभव नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से यहाँ मैं उनका परिचय अल्प सा करा देना चाहता हूँ। यहाँ अतिथि के रूप में डॉक्टर अर्जुन चौहान जी हैं, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के हैं। उनका क्वालिफिकेशन पीएचडी, एमए बीए हिंदी और हिस्ट्री में है। उनका टीचिंग का जो अनुभव है 33 साल का है। लेक्चरर के रूप में उन्होंने 1987 से 1998 तक कार्य किया है। रीडर के रूप में 1998 से 2006 तक काम किया है, और प्रोफेसर के रूप में उन्होंने 2006 से यहाँ अब तक यानी मई तक यहाँ प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम किया है। उनका प्रशासकीय जो अनुभव है वह अनुभव यहाँ इस प्रकार है। उन्होंने अध्यक्ष हिंदी विभाग के रूप में उन्होंने 31 दिसंबर 1993 से 1994 तक काम किया है। फिर दूसरी बात, 2000 से 2003 तक अध्यक्ष के रूप में शिवाजी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। फिर अध्यक्ष के रूप में 2005 से 2008 तक उन्होंने काम किया है। उन्होंने अपना जो कार्य किया है उन्हें कई अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। वह राशि के रूप में भी है, परंतु यहाँ सिर्फ अवार्ड का नाम यहाँ बता देता हूँ। पहला है साहित्य एकेडमी अवार्ड, दूसरा इंटरनेशनल लेवल अवार्ड्स, तीसरा नेशनल लेवल अवार्ड्स, और चौथा स्टेट लेवल एंड एमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। उनके बुक पब्लिश हो चुके हैं, पब्लिश की संख्या 45 रही है। साथ ही साथ रिसर्च आर्टिकल्स तथा अन्य भी यहाँ उन्होंने लिखे हैं। हाँ, रिसर्च पेपर उन्होंने 105 लिखे हैं, और उनमें से 84 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। अन्य भी
अन्य भी यहाँ रिसर्च में उनका योगदान रहा है। रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूजीसी रिसर्च प्रोजेक्ट में उन्होंने एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट और दूसरा माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट ले लिया है और वह पूरा हो चुका है। रिसर्च गाइडेंस के रूप में उन्होंने काम किया है, एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने काम किया है। पीएचडी एवं एमपिल का के मार्गदर्शक यहाँ उनके मार्गदर्शन में 24 छात्र पीएचडी हो चुके हैं, साथ ही साथ 34 छात्र एमपिल हो चुके हैं। उसके साथ ही साथ एक आदर्श अथवा एक्सलेंट मार्गदर्शक के रूप में उनका काम रहा है। उन्होंने यहाँ कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप आदि में 303 कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लिया है। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर 29 है, नेशनल लेवल पर 171 है और स्टेट लेवल अथवा यूनिवर्सिटी लेवल 103 रह चुके हैं। यहाँ एक्सटेंशन वर्क के अंतर्गत उन्होंने 100 बार अनेक स्थितियों में, अनेक प्रसंगों में, उसमें शैक्षिक हो, सामाजिक हो अथवा सांस्कृतिक योगदान दिया है। इसके साथ ही कोकरिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर के अंतर्गत उन्होंने 250 लेक्चर्स यहाँ पर दिए हैं, उसमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अन्य गवर्नमेंट्स ऑफिसेस अथवा विदेशों में भी उन्होंने दिया है। उन्होंने कई ऑर्गेनाइजर और कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूशन आदि के अंतर्गत 35 एक्टिविटी का आयोजन किया गया है। उसमें कई नेशनल लेवल एक्टिविटीज है, कई स्टेट लेवल एक्टिविटीज है, कई यूनिवर्सिटी लेवल एक्टिविटीज है। साथ ही साथ यहाँ अभी जो स्थिति है वह प्रोफेसर के रूप में शिवाजी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अंतर्गत काम करते रहते हैं। तो मैं इतना सा परिचय देकर यहाँ पर विराम लेता हूँ, साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद सर जी। इस समारोह के लिए जो प्रमुख अतिथि के रूप में हमें मिले हैं वे एक महान विभूतियां हैं। इनका परिचय सुनने के बाद मुझे ऐसा कहना पड़ा कि बेहतरीन से बेहतरीन को तलाश कर, बेहतरीन से बेहतरीन को तलाश कर, अगर नदी मिल गई तो समुन्दर को तलाश कर, अगर नदी मिल गई तो समुन्दर को तलाश कर, टूट जाता है हर शीशा पत्थर से, टूट जाता है हर शीशा पत्थर से, ऐसा शीशा तलाश कर जिसे पत्थर टूट जाए, जिसे पत्थर टूट जाए। देखिए इसके बाद इस समारोह के प्रमुख अतिथि डॉक्टर अर्जुन चौहान सर जी को मैं विनती करता हूं कि वे अपने अतिथि विचारों को प्रदर्शित करें। मेरी बात आप तक पहुंच रही है, मेरी आवाज? जी सर, जी सर, जी सर पहुंच रही है। जी जी जी, इस स्वागत के लिए, सम्मान के लिए मैं डॉक्टर पतंगराव कदम महाविद्यालय रामानंद नगर के हिंदी दिवस समारोह के अध्यक्ष और महाविद्यालय के प्रधान आचार्य डॉक्टर कदम साहब, संयोजक डॉक्टर दादा साहब भोसले जी, सह संयोजक डॉक्टर नितिन कुंभार जी और सुंदर संचालन करने वाले शेडगे जी, मुझे सुनने वाले सभी छात्र, मित्र, अध्यापक, देवी और सज्जनों, मैं बधाई देता हूं आप सबको कि आप सबके मौजूदगी में हिंदी दिवस का समारोह संपन्न हो रहा है, जिसे जिसमें मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया है। मैं डॉक्टर भोसले जी के विजन का, दृष्टिकोण का कायल हूं, ताकि वो कई दिनों से पीछे पड़े थे। असल में
हिंदी दिवस का समारोह आज ही नहीं तो पूरे सितंबर में मनाया जाता है। पहले एक दिन था, फिर सप्ताह आ गया, फिर पखवाड़ा आ गया और हिंदी मास अभी मनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि सर 14 को न सही 15 को अगर आप उपलब्ध है, कल मैं जोधपुर के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का अध्यक्ष था और उन्होंने मुझे कहा था कि आपको आना है, बिना आपके ये कार्यक्रम संपन्न नहीं होगा। तो मैं अभिनंदन करता हूँ महाविद्यालय का, डॉक्टर कदम साहब का और उनके सभी सहयोगी साथियों का कि इन्होंने एक राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह के आयोजन को संपन्न करके करने का मान प्रस्तुत किया है, सबूत दिया है। मैं अपनी बात को आरंभ करने से पहले आप सभी को जो ऑनलाइन जो है उपस्थित है उनको हिंदी दिवस के उपलक्ष में और भारतीय भाषाओं के उपलक्ष में बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी बात को आरंभ करूं कि भारतवर्ष में तीन चीजें बहुत बड़ी मायने रखती थी और रखती है। पहली चीज रही गांधी की, दूसरी चीज रही खादी की और तीसरी चीज रही हिंदी की। आजादी के आंदोलन में गांधी, खादी और हिंदी, इन तीन चीजों ने बल प्रदान किया, शक्ति प्रदान की और फिर हमें 14 अगस्त 1947 की रात के 12:00 के पहला मिनट देखना नसीब हुआ, अर्थात हम आजाद हो गए। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहरा और हिंदुस्तान जो है स्वतंत्र हो गया, स्वाधीन हो गया। ये घटना हिंदी दिवस के उपलक्ष में बड़ी मायने रखती है। भारत के संदर्भ में मेरी निगाह में सबसे बड़ी महान दो घटनाएं हैं। इन दो घटनाओं में से पहली है देश का आजाद होना और दूसरी घटना है देश का स्वतंत्र संविधान बनना। बाकी सारी घटनाएं इस देश की दृष्टि से बाद में, ये दो घटनाएं सबसे अग्रणी। तो इसका संबंध जो है आप देखेंगे कि दूसरे तरह से हिंदी दिवस समारोह के उपलक्ष में मैं जो बात करता हूं तो इसका संबंध इसकी दूसरी घटना भारतीय संविधान से है, जिसका जिक्र किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। भारतीय संविधान ने एक दिन में हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित नहीं किया। याद रखिए कि संविधान बनाने का काम भी 2.5 साल चलता रहा और 14 सितंबर के दिन इस बात पर मुहर लगी कि हिंदी इस देश की राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। धारा 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा और हिंदी के साथ साथ धारा 343 खंड 2 में अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकारा और इसी धारा के तीसरे खंड में देश की संसद को अधिकार दिया गया कि यदि वो चाहे तो अंग्रेजी को 1965 के बाद भी जो है स्वीकार सकती है। तो मुझे संकेत इस बात का देना है कि हिंदी दिवस का मनाना जो हिंदी तर है या जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है वे इस बात को अच्छी तरह से समझे कि 14 सितंबर के दिन 1949 को हिंदी राजभाषा बनाई गई कानूनन और उसकी लिपि भी जो है देवनागरी तय हो गई, यानी हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी तय हो गई और हमारे राष्ट्र की लिपि देवनागरी तय हो गई। इसलिए देश के बड़े जिम्मेदाराना लोग सारे देवनागरी में हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर, हस्ताक्षर से मतलब। और एक और बात इसमें कि आज केवल हिंदी दिवस नहीं है, भारतीय भाषाओं का दिवस है। बहुत कम लोग हिंदी वाले भी इस बात को जानते हैं कि केवल 14 सितंबर को हिंदी दिन नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं का
दिन जो है वो मनाया जाता है, मनाया जाना चाहिए। इसका कारण है कि भारतीय भाषाओं को 14 उस समय की जो प्रधान प्रमुख भाषाएं थी अंग्रेजी और हिंदी के अलावा, भारत की प्रमुख भाषाओं को भी राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। अर्थात महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी, पश्चिम बंगाल की बंगाली जैसी कई प्रमुख भाषाएं भारतीय भाषाओं के रूप में स्वीकृत है। इसलिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं का मतलब हम मराठी दिवस भी मनाते हैं। हिंदी में दिवस शब्द का प्रयोग स्पेशल के लिए होता है, दिन ऑर्डिनरी होता है, इसलिए हमेशा हिंदी दिन नहीं, हिंदी बोलते समय हिंदी दिवस कहा जाता है। ये संकेत मैंने इसलिए दिया कि आजकल भाषाओं के बीच में बहुत दीवारें खड़ी हो रही है, राज्य के बीच में दीवारें खड़ी हो रही है और देशों के बीच में भी दीवारें खड़ी हो रही है। अर्थात वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी वसुधा यानी धरती, सारा विश्व ही एक परिवार है, इस तरह का सपना भारत देश की संस्कृति का परिचय देता है। तो उस देश में बहुत समझदारी के साथ राजभाषा का निर्णय किया ताकि वो राष्ट्रभाषा पहले थी, इसीलिए जानबूझकर राजभाषा शब्द का प्रयोग किया है। और किसी देश की कोई भाषा राजभाषा तभी बन सकती है कि जब वो राष्ट्रभाषा हो। हिंदी पहले राष्ट्रभाषा थी, राष्ट्रभाषा है और आगे राष्ट्रभाषा के रूप में रहेगी, भले ही राजभाषा के रूप में उसका सम्मान उतना न किया गया हो। मैं उस अप्रिय विषय को ज्यादा छेड़ूंगा नहीं, लेकिन इस सच का स्वीकार हमें करना होगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा थी और इसीलिए उसे राजभाषा बना करके उसका गौरव और बढ़ा दिया गया। रही बात वर्तमान हिंदी के सशक्त रूपों की, मुझे सुनने वाले सारे छात्र और अध्यापक पहले हिंदी के बारे में सकारात्मक पक्ष सुने और उसके बाद उसका प्रतिपक्ष सुने और हम फिर निष्कर्ष में आकर के आज के इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का क्या औचित्य है या इसकी क्या उपलब्धि है, क्या आउटपुट है, इसकी तरफ आएंगे। कई चीजें जो है इस अवसर पर विवेचन के लिए सामने रखी जा सकती है, लेकिन कुछ बातें कि जो हिंदी की शक्ति के परिचायक है, उसकी सीमाएं भी मैं सूचित करूंगा, लेकिन हिंदी की शक्ति की परिचायक जो चीजें हैं उनमें सबसे बड़ी बात, जैसा कि कदम साहब ने भी कहा कि हिंदी बहुत सरल है और आसान है और प्रेम की भाषा है, सही है। हिंदी जितनी आसान भाषा दुनिया में शायद ही होगी। मैं आपको बताऊं कि हिंदी सीखने के लिए बड़े बड़े देश आज एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं, ये बात अलग है कि हम उनकी भाषा को सीखने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं, लेकिन ये तथ्य, ये भले ही ताजुबी तथ्य हो, लेकिन अमेरिका के बड़ी शिक्षा संस्था में MBA पढ़ने वाले छात्रों के लिए हिंदी विषय अनिवार्य कर दिया गया। क्यों? तो वैश्वीकरण के इस जमाने में, भूमंडलीकरण के इस जमाने में और भूमंडीकरण होती जा रही इस दुनिया में, अगर भारत जैसे विशालकाय देश से संपर्क बनाए रखना है तो हिंदी के अलावा कोई पर्याय नहीं है। यह मान करके आज मैं आपको बताऊं कि चीन में भी पहले 3 विश्वविद्यालय रहे थे, आज 15 से अधिक विश्वविद्यालय चीन में हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी में अनुसंधान करने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं सारी दुनिया के जो है देशों का जायजा लेने के बाद एक तथ्य आपके सामने रखूंगा कि 151 से अधिक देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। एक किताब मैं आपको दर्शाना चाहता हूं, ये वो किताब है जिसे मैंने अभी परिचय मेरा दे दिया था, वो जो उन्होंने संख्या बताई वो बाबा आदम के जमाने की है, और अच्छा हुआ कि अद्यतन जानकारी आपके पास नहीं है, वरना मेरा परिचय ज्यादा होता, मुझे बोलने के लिए समय कम मिलता। तो ये विश्व मंच पर हिंदी विविध आयाम, इसमें केवल और केवल विदेश में हिंदी कैसी है, दुनिया के अनेक देशों की यात्रा करने का मुझे जो अवसर मिला,
अवसर का प्रतिफल है ये किताब, और मैं समझता हूं कि ये इस बात का सबूत है कि विदेशों में बहुत बड़े चाव से हिंदी के सीखने का रुझान है, और हिंदी का वो पक्ष नहीं जो भक्तिकालीन साहित्य में मिला या रीतिकालीन साहित्य में मिला या हमारे छायावादी साहित्यकारों में मिला, बल्कि हिंदी का वो पक्ष वो पढ़ते हैं जो प्रयोजन मूलक है, अर्थात वह हिंदी जो फंक्शनल हिंदी है, वह हिंदी जो व्यावसायिक हिंदी है, और वह हिंदी जो बाजार की हिंदी है, जिसके कारण हिंदी फलती और फूलती गई, वो कई कारक मेरे सामने हैं। हिंदी का सिनेमा जगत, हिंदी के गीत, हिंदी का साहित्य, और हिंदी के जो काम करने वाले अभिनेता हैं, हिंदी में लेखन करने वाले बड़े बड़े रचनाकार हैं, और जो है मीडिया, संचार, जनसंचार के सारे माध्यम, ये वे सबूत देते हैं कि जिनके कारण हिंदी देश में नहीं बल्कि दुनिया में फलती फूलती गई है। और इसलिए हमें इस बात में विश्वास करना है कि इस देश में ही नहीं बल्कि आप दुनिया में कोई हिंदी का सानी नहीं है। एक बात किसी के मंतव्य में बीच में आई कि हिंदी पांचवें स्थान की दावेदार है, गलत। याद रखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, हिंदी प्रथम स्थान के दावेदार की भाषा है आज दुनिया में, आबादी की दृष्टि से भी, और विदेशों में भी अगर आप सर्वेक्षण करेंगे तो ये पाएंगे कि कभी जमाना था आज से 30, 35, 40 साल पहले जब हम हिंदी पढ़ते थे छात्र के रूप में, तब जो है हिंदी तीसरे स्थान की दावेदार थी। बड़े वैज्ञानिक ने, भाषा वैज्ञानिक ने बड़े इस बात का जिक्र किया था कि तीसरे स्थान की दावेदार हिंदी, पहले स्थान की दावेदार कौन थी आबादी की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं, उस समय तो चीनी थी, आबादी ज्यादा थी बोलने वालों की, दूसरे स्थान में अंग्रेजी थी और तीसरे स्थान पर हिंदी थी, और रूस भी, ये दो भाषाएं रूसी और हिंदी तीसरे स्थान की दावेदार थी। ये 35-40 साल पुरानी बात है, जबकि भाषा विज्ञान की किताबें उस समय लिखी गई। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि हिंदी अब प्रथम स्थान की दावेदार है, भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों की आबादी के अनुपात में और प्रयोगकर्ताओं के संदर्भ में अगर हम ये तथ्य देखते हैं तो हिंदी आज प्रथम स्थान की दावेदार है। कई ऐसे देश हैं भारत के बाहर, भारत, ये मैंने जो एक किताब लिखी थी इसके पहले और जिसका नया रूप मॉरिशस एक सांस्कृतिक यात्रा के रूप में सामने आया, जब मैंने यात्रा की थी तो मॉरिशस में आप देखेंगे कि क्रियोल जो लोकल डायलेक्ट है, वहां की स्थानीय भाषा है, वहां सबसे बड़ी मात्रा में बोली और समझी और जाने जाने वाली भाषा हिंदी है, और दूसरी फ्रेंच भी है, अंग्रेजी उतनी फली फूली नहीं है। तो ये चीज मॉरिशस में ही नहीं बल्कि फिजी में है, ड्रिनाडाड में है, दक्षिण अफ्रीका में है, गयाना में है, और नेपाल में है, पाकिस्तान में है, कई ऐसे देश है, दक्षिण अफ्रीका है, और खुद लंदन की बात में एक सत्य के रूप में, ताजुबी तथ्य के रूप में आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि खुद लंदन में अंग्रेजी को छोड़कर दूसरे स्थान की दावेदार अगर कोई भाषा अगर वहां कोई बोली जाती है तो उसका नाम है हिंदी। अब आपको इस बात की प्रामाणिकता धीरे धीरे महसूस होने लगेगी कि ये क्यों कर है। इसके कई कारण हैं। हिंदी भाषा जिस सभ्यता से जुड़ी हुई है, जिस संस्कृति की वो भाषा है और जिस साहित्य की वो भाषा है, अर्थात सभ्यता, संस्कृति और मूल अर्थ में धार्मिकता, धर्म का आज अर्थ गाली से बढ़कर के हो गया ये बात अलग है, लेकिन धर्म का मूल अर्थ जो है इंसानियत से जुड़ा हुआ, जो हमारे सामने विवेकानंद जी ने रखा था, जो सबको समानता और मानवता का संदेश देने वाला था, तो वो अर्थ, तो ये वो चीजें हैं हिंदी से जुड़ी हुई जिनके कारण आज दुनिया वाले हिंदी सीखने के लिए लालायित है। तो ये चीजें कुछ है कि हिंदी के सकारात्मक पक्ष और हिंदी के शक्ति के रूपों के परिचायक है,
ऑल इंडिया रेडियो सांगली और कोल्हापुर से लेकर के बीबीसी लंदन तक बहुत अच्छे और बहुत अधिकृत समाचार अगर हमने सुने होंगे तो बीबीसी लंदन ने दिए हैं, और रेडियो जापान, रेडियो रूस, रेडियो मास्को श्रीलंका, ये संचार के, जनसंचार के इतने सारे माध्यम हैं कि हिंदी के लिए वो सब कुछ छोड़ करके इसमें हिंदीमय हो जाते हैं। मैंने रूस की यात्रा की, रूस में भी मैंने जायजा लिया था अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के बहाने, तो मुझे ये पता चला था कि एक समय में हिंदी फिल्म देखने के लिए रूसी बहुत बेताब होते थे, और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्म ने तो कीर्तिमान तोड़ दिया था विदेश में और रूस में, ये स्थिति आज भी है। और जितना अच्छा भारत से उनको मिलता है, हिंदी गीत हो, हिंदी फिल्म हो, हिंदी साहित्य हो, एक और अच्छाई मैं आपको बताऊं कि कोई अच्छी रचना अगर रूसी भाषा में आती है, मेरे मित्रों ने भी इस बात की पुष्टि की, बल्कि मेरे मित्र रामेश्वर सिंह जो रूस के हैं तो उन्होंने मेरे बात का खंडन भी किया। मैंने एक दावा किया था कि दो महीने के भीतर कोई रचना अगर हिंदी में बढ़िया रचना, साधारण सी रचना नहीं, बढ़िया रचना हिंदी में अगर प्रकाशित होती है तो 2 महीने के अंदर रूसी भाषा में उसका अनुवाद आता है। तो मेरे मित्र ने ये कहा कि जवान साहब ये 2 महीने की बात भी नहीं है, वो तुरंत 1 महीने के अंदर भी आता है, ये रूसी भाषा और उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता की मैं समझता हूँ दाद देनी पड़ेगी। वो जानना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ क्या है और अपनी भाषा में लेना चाहते हैं, तो हिंदी की वो ताकत है। मित्रों, हिंदी दिवस मनाने का मतलब केवल हिंदी भाषा के प्रति अपनी अस्मिता जताना नहीं है, हिंदी सभ्यता है, हिंदी एक संस्कृति है, हिंदी एक सशक्त साहित्यिक स्रोत है, और इसको जानने के लिए भारत के स्तर पर और विदेश के स्तर पर जिस तरह की मैं समझता हूं कि आत्मीयता है वो इन्हीं कारणों से है। विदेश में अमेरिका में हमारी बहुत चर्चित हिंदी की अध्यापिका नीलू गुप्ता जी हैं। नीलू गुप्ता जी ने हमें ये बताया कि अमेरिका में 900 से अधिक मंदिर है, 900 से अधिक मंदिर है, और उनमें सबसे ज्यादा राम मंदिरों की गहमा गहमी है। अब बताइए क्यों करके राम जैसा चरित्र जो है मानक के रूप में उन्होंने क्यों स्थापित किया, इसके कारण कई है। ये कुछ लोगों के लिए विवाद और संवाद का भी विषय हो सकता है, लेकिन भारत की महान संस्कृति जो एक पत्नी व्रत और एक वाणी और एक वचनी था, वो इस देश का मानक और मिसाल है कि प्रभु रामचंद्र जी ही थे कि जिन्होंने सीता के अलावा अन्य महिलाओं को माता के रूप में माना था, और उन्होंने यज्ञ किया था अश्वमेध यज्ञ, और उसे करने के लिए पत्नी का साथ होना चाहिए, गुरु ने भी उस समय उनको हिदायत दी या जो है उनको समझाया, लेकिन राम ने कहा कि नहीं, दूसरी पत्नी उनके जीवन में है नहीं, तो उन्होंने अपनी पत्नी की प्रतिमा बनाई और साथ में रखी थी, तब जाकर के वो यज्ञ की पूर्ति की थी। प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये पंक्ति प्रभु रामचंद्र के मुख से कवि तुलसी ने रामचरित मानस में क्यों कही, चाहे जान चली जाए लेकिन वचन न जाए। ये संदेश है न केवल देश को बल्कि दुनिया को कि ऐसे राजा, ऐसे शासक, ऐसे पुत्र इस देश में हुए। सौतेली मां का कहना लोग नहीं मानते, बात तो सही है, आज सगी मां का नहीं मानते, सौतेली मां का कौन मानेगा, और राम ने सौतेली मां का कहना माना। कौशल्या ने वनवास नहीं मांगा था राम को, कैकेयी ने वनवास मांगा था, ठुकरा सकते थे राम, लेकिन प्राण जाई पर वचन न जाई, वचन दिया था राजा दशरथ ने अपनी तीसरी पत्नी कौशल्या को। एक बहुत बड़ा ताजुबी तथ्य मुझे आपके सम्मुख रखना है कि राम उस पिता के पुत्र थे जिनकी बहु पत्नियां थी, लेकिन राम ने ये ऐसा नहीं किया। दुनिया के विद्वानों के सामने बहुत
गर्व की बात है और हमारा माथा ऊंचा होता है। और इसलिए नीलू गुप्ता जी का कहना है, अमेरिका से हम अंतरराष्ट्रीय गोष्ठियों में कई बार मिलते हैं, उस 900 से अधिक मंदिर और वहां प्रतिष्ठापना होती है और वे सारे लोग हिंदी के माध्यम से आपस में मिलते जुलते हैं और एक गहमा गहमी एक हुजूम है। मैं समझता हूं कि हिंदी दिवस का मनाने का मतलब हिंदी की सभ्यता को, हिंदी की संस्कृति को और भारतीय भाषा की सभ्यता और संस्कृति को जानना है। इसलिए मैंने शुरू में संकेत दिया था कि यह केवल हिंदी दिवस नहीं है, तो भारतीय भाषाओं का यह उत्सव है। 14 सितंबर भारतीय भाषाओं का उत्सव मनाने का यह दिवस है। 14 सितंबर संविधान में धारा 351 तक पूरे आठ आर्टिकल्स है जो भारतीय भाषाओं की नीति का निर्धारण कर चुके हैं। यह बात अलग है कि उसका प्रतिपक्ष मैं बोलूं तो थोड़ी निराशा हो सकती है छात्र और अध्यापक के जगत में, लेकिन मुझे ऐसा नहीं होने देना है। मैं हिंदी की शक्ति को आपके सम्मुख इसलिए रख रहा हूं कि आपको ताकत मालूम हो कि हिंदी में क्या ताकत है। इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी की हिंदी सुनने के लिए लोग लालायित होते थे। शैलीदार हिंदी थी वो, कर्ता कर्म और क्रिया वाली हिंदी नहीं थी उनको। वो इस तरह से वाक्य का प्रयोग करते थे कि हम अगर कहते हैं तो हमने कहा था आपसे लेकिन आप नहीं मानते थे, इस तरह की बात। नेहरू जी के अंदाज में अगर बात करें, हाँ हाँ कहा था मैंने लेकिन सुना नहीं आपने, ये वाला वाक्य है। दूसरी बात कि हम और आप ये कहते हैं कि हम इस बात को मानते नहीं, किसी बात को अगर मानते नहीं है तो हम कहते हैं कि हम इस बात को मानते नहीं। नेहरू जी के अंदाज में अगर कहना है, हाँ हाँ नहीं हूं मानता इस बात को मैं, अब मैं जो करता पहले होता है वो अंत में, नहीं हूं मानता इस बात को मैं, अब देख लीजिए। और इसलिए लोग सुनने के लिए लालायित होते थे। और तो और ये परंपरा आगे हमारे देश के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हिंदी सुनने के लिए देश वाले नहीं बल्कि दुनिया वाले भी तरसते थे। और संतोष की बात है, राजनीति अपने अलग स्थान पर है, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद से पिछले 5, 6 और 7वें साल में हिंदी की झंडी जो विदेशों में भी गाड़ दी है, मैं समझता हूं कि यह एक मानक और मिसाल है। इस बात को हमें स्वीकारना होगा कि अगर देश का कप्तान अपनी भाषा में बोलेगा तभी हिंदी को बल मिलेगा, और इस बल के अनुपात में मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। दूसरी बात कि अगर हिंदी इतनी गौरवशाली भाषा, इतनी महान सभ्यता और संस्कृति की भाषा अगर है, तो फिर उसके साथ आज सौतेली मां जैसा व्यवहार क्यों नसीब आया है? तो इसका श्रेय भी मित्रों सत्तासीनों को जाता है। असल में 65 को ही हिंदी महारानी पूरी तरह से बननी थी, उसके साथ सखी का भी नियोजन किया गया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी और को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी थी। इस अनुपात में हिंदी महारानी और अंग्रेजी सखी थी, और 65 तक मुहलत दी थी। 65 के बाद हिंदी स्वयं पूर्ण होगी, उसके प्रचार और प्रसार का कार्य होगा, और फिर अंग्रेजी का सहारा लेना जरूरी नहीं होगा। यह मानकर के 15 साल की अवधि तक संविधान सम्मत हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया था, और इसीलिए फिर हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग होता रहा। और एक नहीं दो नहीं कई घटनाएं ऐसी घटित हो गई, जैसे जैसे 65 नजदीक आता गया वैसे वैसे इस देश के दक्षिण भूभागों में हिंदी के विरोध के बीज बोए गए और कुछ अप्रिय घटनाएं हुई, और उस समय की जो संसद थी उसने ये मजबूरन निर्णय लिया कि 65 के बाद भी अंग्रेजी को फिर आगे हिंदी के साथ रखा जाएगा। यदि ऐसा न होता तो इस देश का नक्शा कुछ और होता। इसलिए हिंदी
वाले खुद, मैं बहुत दर्द के साथ कहता हूं, हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं कि हिंदी पढ़कर के रोजी नहीं मिलती, अंग्रेजी पढ़कर के रोजी मिलती है। यह व्यावहारिक तथ्य अगर सामने है तो क्यों हिंदी को कोई पढ़ेगा? आप अंग्रेजी पढ़ने वालों की देखिए, प्रेम के कारण नहीं, व्यावसायिकता के कारण पढ़ रहे हैं। और अमेरिका में या चीन में या रूस में जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो प्रेम के कारण नहीं, वो भी व्यावसायिकता के कारण पढ़ रहे हैं। तो उसका भाषा का फंक्शनल पक्ष ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हिंदी का फंक्शनल पक्ष भी बहुत मजबूत धीरे धीरे होता जा रहा है, इस पर कभी स्वतंत्र रूप से मैं बात करूंगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी दुनिया में अपनी दस्तक दे चुकी है अब, और अब भगवान के भरोसे और सत्तासीन के भरोसे बिल्कुल नहीं है, वो अपने भरोसे है और जनता के भरोसे है। हिंदी को बढ़ाने वाले असाधारण लोग नहीं है, मैं इस भोले भ्रम में नहीं हूं, हिंदी को बढ़ाने वाले साधारण लोग है और हिंदी को अपनाने वाले साधारण लोग है। इनके बूते पर हिंदी देश और दुनिया में पलती और फलती फूलती आ रही है। और इसलिए कि आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी के दो रूपों का जायजा हमें लेना पड़ता है। पहला रूप उसका राजभाषा का है और दूसरा रूप उसका जनभाषा का है। दो राय नहीं है कि राजभाषा के रूप में हिंदी पिछड़ी हुई है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी पिछड़ी हुई है। इसका श्रेय भी सत्तासीनों को जाता है। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 7.5 दशक की अवधि कम नहीं है, और 7 दशक 3 साल हो गए हिंदी को आज राजभाषा के रूप में अपना करके। लेकिन इस तथ्य से हम मुख नहीं मोड़ सकते, अगर मुख मोड़ेंगे तो बेईमानी होगी कि सत्ता में और सत्ता के गलियारे में 7.5 दशक जो बीत गए वो हिंदी के संदर्भ में हमें दर्द देते हैं कि कभी गंभीरता से लिया नहीं, कि इस देश की युवा पीढ़ी के बारे में कभी सोचा नहीं कि अगर हिंदी में, जैसा कि प्रधान आचार्य महोदय ने भी कहा था कि विज्ञान हिंदी में पढ़ाया जाए और समाज विज्ञान हिंदी में पढ़ाया जाए तो फिर हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता और नौबत ना आती। लेकिन संतोष की बात यह है, गनीमत यह है कि विगत यानी 1965 से केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग जो HRD मिनिस्टर से संबंधित है और जिसे मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों सम्मानित किया था अपनी किताब के लिए, अपने ग्रंथ के लिए, तो ये वो विभाग है। उस विभाग ने आज सैकड़ों जो है कोश बनाए हैं, पारिभाषिक शब्दावलियां बनाई हैं। और इसलिए मैं आपको ये सुखद आश्चर्य बताऊं कि आज हिंदी जो है समाज विज्ञान में भी माध्यम बन गई है, विज्ञान में भी माध्यम बन गई है, विधि में भी माध्यम बन गई है, और यहां तक कि मैं बताऊं कि हिंदी में जनसंचार की हिंदी भी माध्यम बन गई है। मैंने अपने विश्वविद्यालय के विधिज्ञ की मदद की है कि उनके पास जो लॉ का थीसिस आया था वो हिंदी में है, उसकी रिपोर्ट बनाने में मदद की। मेरे जनसंचार माध्यम जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के मित्र की इसलिए मदद की कि उनके पास हिंदी में लिखा हुआ थीसिस आया, ये जानकर के कदम साहब को भी अच्छा लगेगा कि ये काम शुरू हुआ है, और उसका श्रेय जो है वो शब्दावली आयोग, तकनीकी शब्दावली आयोग को जाता है, ताकि उन्होंने सामग्री प्रदान की, स्रोत सामग्री प्रदान की। इसलिए सोशल साइंस भी आज साइंस, सोशल साइंस और वाणिज्य विधि वैदिक शास्त्र, ये सब मेडिकल साइंस भी हिंदी में पढ़ने पढ़ाने की सुविधा है, इंजीनियरिंग भी हिंदी में कर रहे हैं। लेकिन ये बनारस में है, ये लखनऊ में है, ये शिवाजी विश्वविद्यालय में भी आना चाहिए, हमें उस दिन की प्रतीक्षा है तब, और ये आने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊं, ये आने वाला है। देश के प्रधानमंत्री अगर हिंदी में दहाड़ते हैं तो जनता अपने आप फिर इसमें हिंदी में आएगी, ये बहुत अच्छा संकेत मैं मानता हूं। और आने वाले समय में सत्ता का चेहरा जिनके माथे पर होगा वो सब अगर ऐसे व्यवहार करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमें पूरी तरह से युवा वर्ग के लिए हिंदी रोजगार की भी भाषा बनेगी। आज हिंदी में विज्ञान गरिमा जैसी पत्रिकाएं आ रही है, साइंस के रिसर्च पेपर जो है विज्ञान गरिमा में प्रकाशित हो रहे हैं, केवल साइंस
में जो है जो शोध हो रहे हैं उस शोध को लेकर के भी हिंदी में पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है, लेकिन इसकी मात्रा बढ़नी है और ये हिंदी प्रदेश से बाहर आकर के हिंदीतर प्रदेश में भी इनका बोलबाला होना है। अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूं कि हिंदी के लिए बहुत उचित और बहुत कारगर सिद्ध होगा। दो तीन बातें और फिर मैं निष्कर्ष की तरफ आता हूं कि असल में हिंदी के लिए जो ताकत मिली है वो उसके कई कारक हैं और हिंदी को नजरअंदाज जो किया गया है वो राजनीतिक पटल है, ये दोनों चीजें हैं। इसलिए इसको मैं दो भागों में प्रस्तुत करता हूं कि राजभाषा के रूप में हिंदी प्रायः उपेक्षित रही और जनभाषा के रूप में जो हिंदी है प्रबल और प्रखर भाषा के रूप में विश्व के पटल पर उभर कर आ रही है। आपको आश्चर्य होगा कि चीन में केवल 15 विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ने पढ़ाने की सुविधा है, इतना तथ्य नहीं है। तो चीन ने हमारे संस्कृत भाषा के 20,000 से अधिक शब्द अपनाए और चीनी फौजी जो है, मैं आपको बताऊं कि चीनी फौजियों की इतनी बढ़िया आबादी है कि वो हमारी हिंदी सबसे ज्यादा जानते हैं। दुनिया की कोई भाषा अगर फौजियों की देखेंगे चीनी फौजियों द्वारा प्रयुक्त तो वो चीनी है। अच्छा, इसका कारण क्या है इसमें जाना आज का विषय नहीं है, लेकिन सीमा के आसपास जो सरहद पर फौजी है वो हमारे फौजियों के बीच कितनी चर्चा चलती है, क्या आपस में डायलॉग करते हैं, क्या बोलते हैं, ये वो जरूर जानते हैं हिंदी के बहाने और बहुत मेहनत वो करते हैं। इसलिए आप देख लीजिए ना कि हर नुक्कड़ पर फूड है, चाइनीज है, हर कोने में और कस्बे में है, शहरों में तो है ही लेकिन गांव में ठेला लगा हुआ है कि फूड चाइनीज चाइनीज। आप देख लीजिए आक्रमण किया खाने की, और इसलिए वो हिंदी सीखते हैं ताकि उनको भारत से संपर्क और संबंध बनाए रखना है, बाकी की बातें चाहे जैसी हो। ये एक चीज है। और दूसरी बात कि बड़े बड़े दुनिया के यूरोपीय जो देश हैं तो उन देशों में भी हिंदी के बारे में इस तरह से आकर्षण है कि इसके दो कारण मुख्य हैं। एक तो हिंदी को और हिंदुस्तान को वो बहुत बड़ी मंडी मानते हैं और दूसरा ये है कि हिंदुस्तानी दुनिया के कोने कोने में है, उनके कारण भी हिंदी फैली हुई है। कि डिनाडाड में हो या मैं बताऊं कि यूरोपीय कई देशों में हो या हमारे नीदरलैंड में हो, स्विट्जरलैंड में हो, कई देशों में हिंदी के प्रति इस तरह से आकर्षण है कि हमारे हिंदुस्तानी जो है वहां जाकर के बसे। इसलिए मैंने संख्या के रूप में बताते समय बताया था कि लंदन में खुद अंग्रेजी के बाद दूसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा अगर कोई है तो हिंदी है। और अनुपात में देखिए, मीडिया के संदर्भ में मैं बात करूं, मेरा यह दावा है कि कोई अगर इसको काट सकता है तो तथ्य के आधार पर काटे कि दुनिया में सबसे ज्यादा खपत वाला अखबार किस भाषा में है तो उसका नाम हिंदी है। सारी भाषाएं पिछड़ जाती है दुनिया की, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व की बात कर रहा हूं। विश्व में सबसे ज्यादा अखबार अगर किस भाषा में पढ़े जाते हैं तो उस भाषा का नाम है हिंदी। हमारा दैनिक भास्कर देख लीजिए, हमारा दैनिक जागरण देख लीजिए, देश में नहीं विदेश में इसके कई पाठक हैं, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में। इसलिए करोड़ों में इसकी खपत है, लाखों में नहीं करोड़ों में। और फिर बाकी दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर के बाद हिंदुस्तान है, साप्ताहिक हिंदुस्तान है, पंजाब केसरी है, अमर उजाला है और नव भारत है, नव भारत टाइम्स है। ये बड़े बड़े अखबार जो है जितनी मात्रा में हिंदी में इनकी खपत है उसमें अंग्रेजी की, अंग्रेजी का कोई अखबार टिकता नहीं, मैं आपको बताऊं। तो ये तथ्य क्यों है तो इस देश का जन और मन है ना, और साधारण, तो जन साधारण के बूते पर ये हिंदी फली और फूली है। यदि राजनीति का साथ इसको मिलता तो हिंदी पढ़ने वालों के मिजाज और तेवर कुछ और होते। और मैं बताऊं कि निज भाषा है उन्नति, सब उन्नति के मूल, जो हमारे भोसले जी ने शुरू में बात बताई थी, तो ये सही बात है।
कि मां की भाषा में तरक्की करने का बच्चे को सबसे ज्यादा अवसर मिलता है और सबसे ज्यादा आसान होता है, लेकिन हमारे देश में मां को छोड़कर के मौसी से प्रेम करने वाली पीढ़ी बनाई गई, लेकिन मां को छोड़कर, मौसी से प्रेम बुरी बात नहीं है, लेकिन मां को छोड़कर, है ना, कि ये है कि हमारे यहाँ एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ जो स्टेटस सिंबल की ओर खींच रही है। आप बोले ना बोले, लेकिन बच्चा अंग्रेजी बोलता है, ऐसे अभिभावक हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में है। क्यों? आप अगर नहीं जानते वो भाषा तो उस भाषा में अपना बेटा पढ़े क्यों? क्योंकि ये गलत और भ्रमित धारणा है कि उस भाषा में पढ़ने से रोजगार के ज्यादा अवसर है। मैं बताऊं, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने सबसे पहले अपनी भाषा में पढ़ाई की है। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई शिक्षा नीति जो है भारत की, उसमें सही संकेत दिया था प्रधान आचार्य ने कि उसमें मातृभाषा को अच्छी तरजीह दी है, ये बात सच है। और आने वाले समय में हमें सुखद संकेत मिल रहे हैं तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि हिंदी का क्या होगा। हिंदी का और हिंदी पढ़ने वाले का निश्चित रूप से भला होगा, क्योंकि हिंदी को जनाश्रय मिला है। राजाश्रय अगर मिलेगा तो उसके तेवर और बड़े होंगे। वो मिले इस माने में यह आज का आयोजन है, और मैं समझता हूं कि भारतीय भाषाओं को याद करने का 14 सितंबर का दिन है। भारत के बड़े बड़े नोटों पर आप देख लीजिए कि हिंदी और अंग्रेजी में बड़े बड़े अक्षरों में होता है, और बाकी भारतीय भाषाओं में भी, ये 100 रुपए का है, ये 500 रुपए का है, ये 2000 रुपयों का नोट है, ये इस तरह से लिखे हुए भी, तो कानून सम्मत ये भारतीय भाषाएं हैं। इसलिए हिंदी के अध्यापक भी जो नहीं जानते कि ये भारतीय भाषाओं को मनाने का दिन है, तो वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझे कि हिंदी दिवस यानी भारतीय भाषाओं का ये उत्सव है। ये उत्सव मनाने का बहुत अच्छा आयोजन डॉक्टर पतंगराव कदम महाविद्यालय ने, रामानंद ने किया, और मुझे यहाँ आने के लिए उन्होंने आग्रह किया कि चाहे 15 तारीख को क्यों ना हो, लेकिन ये आयोजन होगा, तो इसलिए मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ, तो बधाई देता हूँ, और इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान वाली बात हम पढ़ने वाले आगे बढ़ने वाले हैं। गांधी जी का संदेश था कि हिंदी पढ़ो और आगे बढ़ो। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, महाविद्यालय का अभिनंदन करते हुए कि इन्होंने इस तरह का सुंदर आयोजन किया और एक अच्छा मंच प्रदान किया, और अपने अध्यापकों के लिए मुझे परिचित होने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारतीय भाषा। धन्यवाद चौहान साहब जी, आपने हिंदी की योग्यता और महत्व को बहुत बढ़िया खूबी से समझाया। इसके लिए मुझे इतना ही कहना पड़ेगा, मतफेक पत्थर पानी में उसे कोई पीता होगा, मतफेक पत्थर पानी में उसे कोई पीता होगा, मत जी यही जिंदगी, आपको देखकर भी कोई जीता होगा, आपको देखकर भी कोई जीता होगा। देखिए इसके बाद इस समारोह का अंत करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। देखिए आज हमारे महाविद्यालय में बहुत बढ़िया धूमधाम में जो हिंदी दिन मनाया गया, हिंदी दिवस मनाया गया, इस हिंदी दिवस के अध्यक्ष के रूप में हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर यल्दी कदम साहब जी मौजूद रहे। हिंदी विभाग के ओर से मैं उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस समारोह के प्रमुख अतिथि के रूप में महानिभूतिया डॉक्टर अर्जुन चौहान सर जी हमें मिले, मौजूद रहे, जुड़े रहे, इनका भी मैं हिंदी विभाग की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे महाविद्यालय के सीनियर विभाग के अध्यापक अध्यापिकाएं, जूनियर विभाग के अध्यापक अध्यापिकाएं, दफ्तर के सभी कर्मचारी, छात्र एवं छात्राएं, इन सबका हिंदी विभाग की ओर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और अध्यक्ष की अनुमति से ये फरमाइश करता हूँ कि यह समारोह यहाँ पर समाप्त हो गया।